कॉमर्स क्लासेस, मैं हूं ताबिता। और गाइस, हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमिक की बुक कर रहे थे, उसमें सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, राइट, ये हम कर रहे थे। और आज इसमें हम फॉरेन ट्रेड पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ ट्रेड कैसा था। सो गाइस, आप सबको पता है कि जब अंग्रेज हम पर राज करके गए थे तो उन्होंने उस समय क्या किया था, उन्होंने हमें ब्रिटेन पर डिपेंड बना दिया था फॉरेन ट्रेड के लिए, यानी कि सारी चीज़ें ब्रिटेन से बनकर तब इंडिया आती थी और इंडिया के लोग तब खरीदते थे। तो गाइस, उस समय पर काफ़ी सारा, मतलब जब अंग्रेज लोगों ने राज किया तो हमें ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड बना दिया था फॉरेन ट्रेड के मामले में। अब गाइस, हमें उसे ठीक करना था, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो 1950 से 1990, यानी कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया 5 ईयर पॉलिसी बना रहा है, तो इंडिया को अब ये चीज़ तो ठीक करनी थी। 1950 में गाइस, इंडिया का जो वर्ल्ड में टोटल शेयर है फॉरेन ट्रेड का, वो सिर्फ 1.78% था, यानी कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड हम कितना कर रहे थे, 1.78%, और जिसमें आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा गाइस इंपोर्ट करते थे। अब हम लोगों को इस इंपोर्ट को हटाना था, तो इंडिया जब अपनी 5 ईयर पॉलिसी में उसने ये चीज़ देखी कि भाई अब इंडिया का जो डिपेंडेंसी है फॉरेन पर, उसे हटाना है, तो इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी लेके आई, उसका नाम उसने रखा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी कि इम्पोर्ट मतलब आपको पता है आयात करना, सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी जगह कोई सेकेंड अल्टरनेट या ऑप्शन ढूंढना, तो यानी कि उसको हटा कर दूसरा कोई चीज़ करना। तो अब हमने अपने इम्पोर्ट, जो बाहर की चीज़ों पर हम डिपेंड थे, अब हमें उसको ख़त्म करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। किससे भाई? अपने देश के प्रोडक्ट से ना, बाहर से मत खरीदो, अपने देश में चीज़ें बनाओ और उसे इस्तेमाल करो। सो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी गाइस आई थी, जिसका मतलब आप सबको पता चल चुका है, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना किस चीज़ को, इम्पोर्ट को। किस से करें? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, देश में चीज़ें बने और बिके, ये अब हमारा मकसद था। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फॉरेन पर डिपेंड होंगे तो आपको पता है कि हमें ज़्यादा ही पैसा फॉरेन को देना होगा, राइट। तो अब हमें ये सारी चीज़ें हटानी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रिटेन था हमसे बहुत पैसा लूट के ले जा चुका था, राइट। सो गाइस, जो बेसिक एम था इसका वो क्या था? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, यानी कि फॉरेन के कॉम्पिटिशन से अब हमें अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज थी उनको बचाना था, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ये हमारा मेन एम था। लेकिन इससे दो ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो रहे थे, कौन से? एक तो सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो बार बार बाहर ही पहुंचता रहता था, क्योंकि हमें पेमेंट करनी होती थी, इम्पोर्ट जो अगर आप बाहर से कोई भी सामान मंगाओगे तो उसकी पेमेंट तो करोगे ना, उसके थ्रू हमारा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर हमने ब्रिटेन से ख़रीदा तो हमें उनको पैसे फॉरेन एक्सचेंज में देने हैं, अमेरिका से ख़रीदा तो हमें डॉलर देने पड़ेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जाता जा रहा था, तो हमें सेविंग करनी थी फॉरेन एक्सचेंज की। दूसरा गाइस, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने आप को इतना सक्षम बनाना कि देश में ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो, तो हमें यानी कि होल सोल अपने आप को सक्षम बनाना था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था उसको सेव करना था। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव अपने आप कंप्लीट हो गया, कब? जब हमने ये पॉलिसी को अपनाया, राइट गाइस। सो अब इसको अपनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने दो टेक्निक यूज़ करी थी। एक टेक्निक का गाइस नाम था टैरिफ, दैट इज कॉल्ड TARIFF, टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या होता है गाइस? टैरिफ मतलब होता है टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना ज़्यादा हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स भी उतना ज़्यादा लगेगा, यानी कि टैक्स की मात्रा को बढ़ा देना। अगर आप 100 रुपये की चीज़ मंगाओगे तो अगर 100 रुपये उस पर टैक्स लग जाएगा तो अब वो इंडिया में आके 200 का बिकेगा, तो ऑफकोर्स 200 का यानी कि लोगों को महंगा लगेगा। जनरली आप जब उससे मंगाते हो लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह से, तब आप देखते हो कि यार कितना ये लोग कोरियर चार्जेस कितना ले रहे हैं। जब आप सस्ता प्रोडक्ट मंगाते हो तो आप कहते हो यार कोरियर ही हमें ज़्यादा चार्जेस पड़ रहे हैं, है ना, यानी कि मंगाने का अगर खर्चा ज़्यादा पड़ता है तो हम उस चीज़ को नहीं मंगाते। तो उस समय पर भी इन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल करी, इन्होंने टैरिफ को बढ़ा दिया, यानी कि टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट पर कि आप मंगाओ कोई बात नहीं, बाहर से ज़्यादा मंगाने का शौक है मंगाओ, लेकिन टैक्स भी उतना पे करना पड़ेगा। ये क्यों किया गाइस? इन्होंने इसलिए किया ताकि हम बाहर से सामान कम मंगाएं, हमारे यहाँ के जो सेलर हैं वो बाहर से सामान कम मंगा के यहाँ पर बनाएं। तो हम लोगों ने टैरिफ को इम्पोर्टेंस दी, टैरिफ को एक मतलब एक अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाया, ताकि
चीज़ें जब बाहर से आके इंडिया में महंगी बने बिकेंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे और लोग फिर देश के अंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सो हम लोग टैरिफ लेके आए गाइस। और जो दूसरी चीज़ थी उसका नाम था कोटा, ठीक है। तो कोटास मतलब क्या होता है गाइस, एक फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट, यानी कि अगर बाहर से आपने 100 पैकेट मंगाने हैं तो दैट इज़ योर मैक्सिमम लिमिट, यानी कि हमने फिक्स कर दी थी मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्ट की, उसे हम कोटा कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ऑप्शन चूज़ करे थे इम्पोर्ट को रोकने के लिए। एक तो टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्ट पर, दूसरे लिमिट भी तय कर दी, भाई टैक्सेस लगा दिए। अब कई लोग ऐसे थे टैक्सेस पे करने में लगे रहते थे, कोई बात नहीं इंडिया में लोग ज़्यादा महंगा खरीद लेंगे, काफ़ी अमीर लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दो भैया, तुम इससे ज़्यादा मंगा ही नहीं सकते। तो दोनों मतलब लोग अगर शेयर है तो सरकार भी सवा शेयर है, उन्होंने दोनों चीज़ों को वो किया। सो गाइस ये दो पॉलिसीज हमने अपने फॉरेन ट्रेड को सुधारने के लिए अपनाई थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो थी, इम्पोर्ट को हटाना और देश में चीज़ों को बनाना था मेन मकसद। सो गाइस ये हमारी पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड की, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज, एंड आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।